दोस्तों आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि हम किस विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएम किसान की वेबसाइट में, पीएम किसान के पोर्टल में कुछ अपडेट हुआ है। जैसे हम स्टेटस चेक करते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। अब हम कैसे स्टेटस को चेक करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या बदलाव हुए हैं पोर्टल में, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको वीडियो में हमेशा बने रहना है। यहाँ पर हम दोस्तों सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे। पीएम किसान, हमने दोस्तों पीएम किसान सम्मान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर, जैसे यहाँ पर आपका केवाईसी है तो अभी भी फिलहाल में केवाईसी चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुलाई तक इसकी डेट है, इस जुलाई तक लोगों ने भी अभी केवाईसी नहीं कराया है, वो केवाईसी अवश्य करा लें, क्योंकि अब मैं ये बताऊंगा कि केवाईसी की क्या महत्वता है और केवाईसी के बगैर आप अपना यहाँ पर जो भी स्टेटस है वो चेक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए केवाईसी बहुत ही मैंडेटरी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे अभी किसान भाई होंगे जिन्होंने केवाईसी नहीं कराया है। हम दोस्तों आपसे रिकमेंड करेंगे कि जिन लोगों ने केवाईसी नहीं कराया है वो जल्द से जल्द अपनी केवाईसी पूर्ण कराने, नहीं तो आपकी किस्त में आने में प्रॉब्लम होगी। अब आप जैसे ही बेनिफिकरी स्टेटस, जैसे ही हम इस लिंक पर जाएंगे बेनिफिकरी स्टेटस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है। और यहाँ पर हमें पहले शो होता था जैसे अकाउंट है और इसके साथ में मोबाइल नंबर और अकाउंट संख्या, इसके जरिए हम स्टेटस को चेक करते थे। लेकिन अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल। दोस्तों जाहिर सी बात है कि रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही कम लोगों को पता होंगे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, इन लोगों को भी पता है तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के कैप्चा भर के ये जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा पीएम किसान की वेबसाइट पर उस पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डाल के आप यहाँ पर स्टेटस चेक कर पाएंगे। हालांकि ये अभी प्रक्रिया में कर चुका हूँ तो पोर्टल में कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण स्टेटस बेनिफिकरी स्टेटस शो नहीं हो रहा है। आप दो के जरिए आप मोबाइल नंबर के जरिए भी इस पे चेक कर पाएंगे या रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए भी चेक कर पाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन नंबर, तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या, सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर का है, तो अगर आपको ये पता करना है तो आपको नो योर रजिस्टर्ड में जाना है। जैसे ही आप इस पर आएंगे तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा तो आपको एंटर करना, एक मोबाइल नंबर पर बहुत सारे किसान भी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर हमें इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर की बहुत ही ज्यादा अति आवश्यकता है। यहाँ हम एक उदाहरण लेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिल करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा सेंट ओटीपी पर हो चुका है और जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर एक ओटीपी गया होगा। तो चलिए हम ओटीपी को दर्ज कर लेते हैं। जैसे ही आप गेट योर डिटेल पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम शो हो रहा होगा। नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसकी हमें बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। इसके बाद होम पेज पर फिर से जाएंगे और एक बार हम इसका स्टेटस चेक करेंगे, क्या ये स्टेटस चेक हो रहा है या नहीं। वेरीफाइड स्टेटस, फिर से हम स्टेटस को चेक करने का प्रयास करेंगे। मैंने लेकिन बताया आपको कि स्टेटस चेक नहीं हो रहा है, आगे हम फिर से प्रयास करेंगे। यहाँ हमने कॉपी किया था, पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कैप्चा फिल करेंगे, नीचे लिखा है जनरेट ओटीपी, हम इस पर क्लिक करेंगे। हमने जनरेट ओटीपी पर क्लिक किया, फिर भी नेक्स्ट जो पॉपअप है, जो पेजेस है वो आना चाहिए, वो पेजेस नहीं आ रहा है, ना ही उस पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है। मतलब इस लिंक में कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज है जिसपे काम चल रहा है, क्योंकि अपडेशन काफी समय से चल रहा था वेबसाइट में और अभी ये पूर्ण तरीके से अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही अपडेट हो जाता है तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर स्टेटस चेक कर, अभी फिलहाल में अभी स्टेटस चेक नहीं हो रहा है तो आप बड़ी आसानी से जैसे ही स्टेटस चेक होने लगता है तो आप स्टेटस चेक कर पाएंगे। इसके बाद फिर से होम पर जाएंगे तो आप कई सारे ऐसे ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अभी वेबसाइट में न्यू रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन आता था वो भी डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है जिसके जरिए हम लिस्ट वगैरह में चेक कर सकते। लेकिन जो स्वयं का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी चेक कर पाएंगे। अगर आपको और भी चेक करना चाहते हैं तो ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐप दोस्तों अभी पुराना है क्योंकि उसको चेंजेस नहीं किया गया है। ऐप में जो भी फीचर्स हैं वो सभी ओल्ड वर्जन के हैं, वेबसाइट में जो भी फीचर्स हैं वो सभी नए हैं। तो यहाँ मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा, पे भी ट्राई किया है क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि हम वेबसाइट को हमेशा रेगुलर चेक करते रहते हैं कि कुछ अपडेट हुआ है वेबसाइट में तो लोगों को के बारे में बताया जाए। हालांकि यहाँ पर अभी जो अपडेट हुआ है, मैंने बताया कि यहाँ स्टेटस के बारे में और जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो भी अभी फिलहाल में नहीं हो रहा है। अगर इसमें कुछ और भी ज्यादा बड़ा बदलाव किया जाता है तो उस संबंध में हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें जरूर बताइएगा, हम उसके बारे में जल्द से जल्द खोजने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि यहाँ मिलता है अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग यू, नमस्कार।